अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोजिद ख़वातीनों हज़रात, आजकल बाबरी मस्जिद का वाक़िया ज़बान ज़दयाम है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराना केस निपटाते हुए ये फैसला किया है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में इस फैसले के हवाले से मुसलमानों की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है। आज की इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद की तारीख और इस पर हिंदू मुस्लिम फसादात समेत असल मुहरकात जेरे बहस लाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब और साथ ही लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आगे की आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिल सकें। ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के जज्बात मजरूब करते हुए एक बार फिर एक मुतज़ाद फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया है कि हिंदू ये हक रखते हैं कि यहाँ राम भूमि का मंदिर कायम करें, जबकि मुसलमान इस इलाके की पोजेशन में काफ़ी अरसे से थे, यहाँ नमाजें पढ़ते थे, तो उन्हें वहीं अयोध्या के अंदर 5 एकड़ की ज़मीन दे दी जाए ताकि वो वहाँ अपनी मस्जिद तामीर कर सकें। ये एक ऐसा फैसला है जो भारत के निज़ाम इंसाफ के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। हिंदुओं का दावा यह है कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर ने गिराकर मस्जिद तामीर की, लेकिन हकायक कुछ और ही बताते हैं। ये 2007 की बात है जब पाकिस्तान की तरफ से आर्कियोलॉजी का एक वफ्द भारत गया और वहाँ पर मौजूद बाबरी मस्जिद की तहकीकाती टीम से मुलाकात की और बाबरी मस्जिद के मुतलिक उनसे दरियाफ्त किया, तो उन्होंने अपनी पेश करदा उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया जो रिपोर्ट उन्होंने बाबरी मस्जिद की खुदाई के बाद तैयार की थी, जिसमें कई हिंदू और चंद मुसलमान भी शामिल थे। तमाम के तमाम का कहना यह था कि वहां उन्हें किसी किस्म के राम मंदिर के आसार नहीं मिले और यहां कभी किसी जमाने में कोई मंदिर नहीं रहा, बल्कि एक खाली जगह थी जिस पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने आकर मस्जिद तामीर की थी। ख़वातीनो हज़रात, बाबरी मस्जिद से मुतलिक हिंदू मुस्लिम फसादात अंग्रेज के जमाने से चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ के ज़माने से ही इस मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, बल्कि उसके बाद भी जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद भी ये मस्जिद वीराने का सा समा पेश करती थी, लेकिन मुसलमानों के इसके साथ वाबस्तगी थी जो कि सदियों से चली आ रही थी। असल मसला बाबरी मस्जिद नहीं है, बल्कि ये भारत के 75 साल बल्कि उससे भी पहले की हिंदू रियासत बनाने की कोशिशें हैं। जब पाक भारत 2 अलग-अलग रियासतें कायम हुई तो हमारे यहाँ इस्लाम का तस्वर था जिसकी बिना पर यह मुल्क बना, जबकि दूसरी तरफ सेकुलर लिबरल रियासत का तस्वर पेश किया गया। यह नहीं हो सकता था कि वहाँ अगर हिंदू मत का नारा लगाया जाता तो यूपी, बिहार, पटना, महाराष्ट्र, दिल्ली का मुसलमान, नागालैंड, मणिपुर वगैरह का ईसाई और पंजाब में रहने वाला सिख हिंदुस्तान की हिमायत का ऐलान करता। यह वो चूर्ण था जो भारत ने बड़ी कामयाबी से बेचा। हिंदू इंतहा पसंदी का बकायदा आगाज 20वीं सदी के अवायल में शुरू हो चुका था। शुद्धी एक तहरीक थी जो 47 से पहले की चली आ रही थी, जिनके मानने वाले ये तस्वर रखते थे कि हिमालय के नीचे की जानिब सब जगह देवी देवताओं की है, देवी देवताओं की ये जमीन एक पाक और मुकद्दस सरजमीन है। वो ये मानते थे कि यहाँ पर ईश्वर ने कुछ आबादियां पैदा की थी, जिसे ईश्वर ने सर से ब्राह्मण पैदा किए, पेट और सीने से क्षत्रिय और वेश पैदा किए, और जबकि पांव से शूद्र पैदा किए थे, और यही नस्लें जो सदियों से यहाँ आबाद हैं यहाँ रहने का हक रखती हैं, क्योंकि ये नस्लें 3 बुनियादी देवताओं की वजह से आबाद हुई थी जो वहाँ पर उतरे थे, जिसमें ब्रह्मा था जिसे वो क्रिएटर कहते हैं, उसके बाद विष्णु था जिसे कहा जाता है कि वो सस्टेनर है, और शिव जिसे कहा जाता है कि वो डिस्ट्रक्टर है। शिव के साथ उनकी बहुत मोहब्बतें वाबस्ता हैं, जिसे भोलेनाथ, शिव शंकर जैसे नाम भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जितने दूसरे मजाहब जैसे जैन मजहब वगैरह आए तो उसे इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया। जैन वो लोग थे जिन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और मंदिर बनवाए जो आज भी जाकर देखे जा सकते हैं। तो हिंदुओं ने जैन मजहब के महावीर को भगवान का अवतार मानकर उसे अपने यहाँ रख लिया। जैन मत ही वो मजहब था जिसके मुताबिक इंसान को गोश्त और मछली नहीं खानी चाहिए, यही आज दुनिया भर के हिंदू अपनाए नजर आते हैं। इसी तरह
बुद्ध मत को भी अपने अंदर शामिल किया, बुद्धा का मुजस्मा भी बनाया और अपने अंदर सजा लिया। आखिरी गुरु नानक थे जिनकी ग्रंथ साहब को लिया और वाल्मीकि हिंदुओं ने इनको भगवान का अवतार मानकर इनकी पूजा शुरू कर दी। इसके बाद इस्लाम को भी अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मुसलमानों के यहाँ ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जिसे वो भगवान का अवतार मानकर उसकी पूजा कर सके, तो मुसलमान इस तरह हमेशा से एक अलग हैसियत और एक पहचान के साथ रहे, और ना ही मुसलमानों ने उनमें घुल मिल कर रहने की कोशिश की, और ना ही ऐसा कुछ मुमकिन भी था। असल जंग तो ये है जो सन 1920 में शुद्धि तहरीक से शुरू हुई थी, जिस तहरीक का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को हम हिंदू बनाएंगे, और जो मुसलमान यहाँ के नहीं हैं, मसलन नारायण, मिर्ज़ा ज़ाद, अफ़गानी वगैरह, यहाँ से चले जाएं कि इन्होंने हमारी पाक ज़मीन को नापाक कर दिया है। इस तहरीक को 1925 में RSS ने अडॉप्ट किया, जिसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में काम शुरू हुआ, जिसे गोल वाकर और सावरकर ने शुरू किया था। फिर जब पाकिस्तान और भारत जब वजूद में आए तो भारत में आइन बनाने की ज़रूरत पेश आई, तो नेहरू और पटेल इन लोगों के पास गए तो इन्होंने भारत के सेकुलर होने का सिरे से इनकार कर दिया और कहा यहाँ मनुस्मृति को सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ते गए और 50 साल के बाद BJP में अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाया, जो कि इस वक्त मोदी की शक्ल में दुनिया के सामने है। उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट कश्मीर का आर्टिकल 370 था, जिसके खात्मे के बाद वो ये समझते हैं कि उन्होंने अखंड भारत की तरफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। बाबरी मस्जिद का मसला ये है कि जब 1982 में इलेक्शन हुए इंडिया में तो BJP को सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद का वाकया पेश आया तो इन्होंने राम यात्रा शुरू की। उसके बाद वो इस हद तक पॉपुलर जमात हो चुकी थी कि अब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो जब अफजल गुरु का फैसला करना था तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि प्राइमरी एविडेंस ना होने की वजह से हम अफजल गुरु को सजा नहीं दे सकते, लेकिन अवाम के पुरजोर मुतालबे पर उसको सजाए मौत दी जा रही है। ये है वो भारत जिसका इस हद तक घिनौना मोतसबाना रवैया है। अब इस वक्त मोदी का अगला कदम ये है कि यहाँ मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू किया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या तुम इसके शहरी हो या नहीं, क्या तुम देवी देवताओं को मानते हो या नहीं। यानी जो शख्स ये ऐलान करता है कि वो हिंदू मत का मानने वाला है सिर्फ वही भारतीय शहरी है, बाकी सब या तो मुल्क छोड़ दें या जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाएं। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने अपना ये पहला कदम असम में रखा और इस हवाले से ये बहाना देते नज़र आते हैं कि चूंकि बांग्लादेश की तरफ से 1 करोड़ के करीब मुसलमान यहाँ आए हैं तो एक नस्ली इम्बैलेंस का मसला है। असम में इन्होंने तकरीबन 40 लाख मुसलमानों की नेशनलिटी को मनसूख कर दिया, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर सके कि वो भारत के रहने वाले हैं या नहीं। मोदी की इस सफाक हुकूमत ने इन इलाकों में डिटेंशन सेंटर कायम कर रखे हैं कि जो जो अपनी नेशनलिटी साबित नहीं कर सकेगा वो इन सेंटर्स में रहेगा। याद रहे कि इसी किस्म के डिटेंशन सेंटर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों के लिए बनाए गए थे। असम का ये इतना बड़ा वाकया उस तसव्वुर जिसमें तमाम रहने वालों को हिंदू मत कबूल करवाना है कि पहली कड़ी है। अकल वालों के लिए ये काफ़ी है समझने के लिए कि जहाद हिंद की जंग के दफ बच चुके हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब आप जहाद हिंद में हिस्सा लोगे तो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाओगे, जिसका मतलब ये है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कई बादशाह होंगे, यानी हिंदुस्तान कई रियासतों में बंट चुका होगा। अल्लाह ताला हम सबको वो शर्फ बख्शे कि हम जहाद हिंद में हिस्सा ले सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।